स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन लेके आऊँ रियल नंबर्स से है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बोला गया गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इक्वल टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। सो गिवन कंडीशन क्या है कि हम लोगों को एचसीएफ दे रखा है 306.657 इक्वल टू 9, राइट। सो कभी भी जब इस तरह की फॉर्म में लिखा होता है एचसीएफ, तो इसका मतलब होता है कि ये हम लोगों का फर्स्ट नंबर है और ये हम लोगों का सेकंड नंबर है, ठीक है। सो ये दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 9 है, करेक्ट। एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, सो वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सो एलसीएम तो फाइंड करना है, एलसीएम को लिखा रहने दीजिए, एचसीएफ तो पता है ना कितना, 9, जस्ट पुट कर दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है, 306 है, सेकंड नंबर 657, एलसीएम फाइंड करना है तो जस्ट 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एलसीएम इक्वल टू व्हाट, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। देखो इससे डिवाइड किया, 3 टाइम डिवाइड होगा, 36 अगेन हो जाएगा 34। अब जस्ट क्या करना है, 34 और 657 को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 22,338, और यही क्या है हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।